बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख 13 नवंबर 2023 समय है 11:03 PM। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखिए मेरी बात सुनो। मैं आप पे पैसा क्यों लगाऊं यार, आप तो वैसे ही इतने पैसे वाले लोग हो। मेरी बात सुनो ना भाई, आप SPG वाले हो, आप BJP हो, आप नरेंद्र मोदी जी हो, आप तो मरियम नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, तो इतने बड़े लोग, ठीक है, इतने बड़े लोग हो, मेरे से पैसा लेने की क्या जरूरत है आपको? आप अल सलीम हो, आप सिराजुद्दीन हक्कानी, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, और सलीम को कौन नहीं जानता? सुनो, ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, है ना, तौबा, दबी आवाज में इस तरह से बात कर रहे हो कि किसी को पता ना लग जाए कि मंगल हक्कानी कैसीनो में एक व्यक्ति गया जो देखने में नरेंद्र मोदी था। पर बोल, मैं तो बोल रहा हूं ना एकदम दबी आवाज में, एकदम चुप। इंडियन आर्मी, बाप रे बाप, इतना बड़ा इतिहास। मेरी बात सुनो, कहां JSR सिक्योरिटीज वाले यार, छोड़ना, शकल देखिए कभी इसकी, मेरे बारे में कह रहे हो ना, फिर दिमाग से क्यों बोल रहे हो? और मुझे बड़ा मजा आता है, बात काट नहीं सकते क्योंकि भाई साहब पुलिस वाले अगर आपके पास है तो पुलिस वाले मेरे पास भी है, इतनी सी बात है। अदालत आपके लिए है तो अदालत मेरे लिए भी है, सही है गलत है? इस कॉलोनी में दो हितेश हैं, एक मैं हूं, एक महेश जी का लड़का। उस दिन मैरोली थाने वाले को विनोद को पकड़ना था, उस हितेश को मुचलका मेरा भरवा दिया, मुचलका मेरा भरवा दिया, महेश के लड़के को उठाना था, अब मुझे ले गया। और आज 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 वो पता थाने में क्या कह रहे हैं लोग, आगे उसको विनोद गुप्ता को कह रहा, तेरे जैसे पुलिस वाले के साथ हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि तू सुनता नहीं है। आज बताया उसको, कह रहा किस हितेश की बात कर रहा है, कह रहा वहां दो हितेश हैं, कह रहा फोटो दिखाइयो, कह रहा ये थोड़ी है, कह भाई इसकी ये तो 44 साल उम्र है इसकी, तो 3 बच्चे हैं इसके, इस तो झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई FIR नहीं है इस पे। तो करा यूपी पुलिस में STF का मोस्ट वांटेड महेश का लड़का है, ये थोड़ी है हितेश, उसका भी नाम है हितेश, उसका भी नाम है। अबे IGL का कनेक्शन उसका कटना है, उसके घर का, उसका घर आज का थोड़ी बिका हुआ है, वो आज से थोड़ी लफड़े में है वो। अच्छा इसके पीछे पड़ गए तो तू और विनोद गुप्ता, मनोज गुप्ता सब। करा भाई ये तो रॉ में है, आज से थोड़ी है रॉ में, ये 22 साल की उम्र से है ये। हाँ वो अलग बात है कि इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं गया, ये इसके नजदीक तो शुरू से नहीं जाता कोई, इसके नजदीक तो शुरू से ही नहीं जाते, तुझे किसने भेज दिया इसके घर? करा यार मैंने 1000 रुपए, वो छोड़ना 1000 रुपए, तू तो गलत दे आया, वे मार खाएगा अब। कह रहा तेरे जैसे के साथ हम यही करते हैं, हमने जानबूझ के नहीं बताया तुझे, जब मरना और तेरी पूरी टीम जो है ना बेटा लाइन हाजिर हो जाओ। कह रहा मैं अब क्या करेगा, अब हटा फाइल, तेरे जैसे को पुलिस वाला हम बनाते हैं, आइयो जरा, पुलिस वाला है तू, बुला के लाया सच्चो साहब, इधर ही देखो ये क्या करके आया ड्रामा, तभी तो थाने का सारा खर्चा बंद हो रखे। कह रहा क्यों? कह रहा जी अभियुक्त की शिनाख्त नहीं करी है इसने। कह रहा महेश का लड़का है ये, सुरेश जी के लड़के को उठाने चल दिया वो CPWD वाले साहब जो है। कह रहा राम सिंह भी इसीलिए पिटा था, अबे घर उसका बंद करना है राम सिंह, इस हितेश के पीछे कहां चला गया तू?
रहा भाई इसका लबड़ कह रहा इसका इसका भाई भी इसी लपेटा बड़ा वाला कि क्यों कह रहा भाई मुकेश इसको नहीं पीटना था पीटना उसको था उसकी उसकी बीवी का डोमेस्टिक वायलेंस का झगड़ा इसका नहीं है तू किसके यहाँ चला गया मुकेश कह रहा तेरे जैसे ना तेरे जैसे अदालत में काम करने वाले और आई कार्ड दिखाने वालों के साथ हम यही करते हैं इस कॉलोनी में जो हितेश है ना वो है महेश का लड़का वो अपनी बीवी को मारता पीटता है और जबरदस्ती शादी में जो लफड़ा किया ना वो उसने किया इसने नहीं किया तू इसके घर पे मार पीट कर क्या है वे करा जी क्या तू पागल वागल है क्या कर आपने जानबूझ के नहीं बताया करने दे इसको अबे अपना आई कार्ड उसके यहाँ दिखा और डोमेस्टिक वायलेंस उसका है उसकी बीवी का इसका नहीं है ये तो एकदम शांत रहता है इसका तो कोई लफड़ा भी नहीं है भाई इसके यहाँ पहुंच गया पीसीआर लेके तू अबे मान ली बात तूने जांच में अपने भाई को भाई नहीं समझा पहचान तो लेता पहले ये किस तो आज का है मेरे लिए ताने का और इतने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स मरियम नवाज जिस हितेश को तू ढूंढ रही है ना कंटिन्यूसली 80 से ज्यादा रेप जो तू बहुत बड़ी महिला आयोग बन रही वो हितेश मैं नहीं हूं वो हितेश महेश का लड़का है यही बात आज आईबी वालों ने बोली वहां पे कह रहा मंडल हमने बोला ही नहीं कुछ कहता ना मंडल है तो कह रहा आरडब्ल्यू वालों को भी हमने कुछ नहीं बोला बोला तुम्हारा यही हाल होगा कह रहा सबको ले आओ हम उनको कह रहे हैं पूरी शिनाख्त ले जाइयो ना ना पहले ही दौड़ गए सबके सब संजय अरोड़ा तक को बोला था अरे भैया इस पे क्यों विजुअल लगा रहा है किशन पहलवान को ही बोला भाई तुझे बुलाया खास करके था वो नामी गैंगस्टर है वो हितेश एलियस जावेद वो है वो पर वो अपने आप को कुछ और बोलता है वो महेश का लड़का वो वहां जो पहले उसका बाप जल बोर्ड में था पता नहीं किस में ये हितेश नहीं बे पूछ अगर मैं मेरी बात झूठ निकले तो मुकेश को कह रहा भाई इस हितेश को नहीं पीटना था उसको पीटते हुए लेके आना है ताने बेवकूफ को वो आता नहीं है वो बीएसईएस वाले को बोल रहा भाई इसका नहीं उसका घर का लफड़ा है शंभू के घर पर उसकी बीवी के चक्कर में उसने हमला किया था और उसके दोस्तों ने केस ये है ये वो हितेश नहीं है ये कह रहा ये तो रॉ में है कह रहा इसके तो नजदीक भी नहीं जाते हम चाहे कहीं भी जाए हाँ इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं है बस ये कह रहा यही बात हमने वहां भी हमने बोली नहीं कह रहा आईपी वाले कह रहा हमने बोली नहीं कह रहा करो बेटा लफड़े सब नौकरी तुम्हारी जाएगी कह रहा यही डिपार्टमेंट है भाई डिपार्टमेंट यही है यूपी एसटीएफ वालों को ही बोला किशन पहलवान को बोला अबे बेवकूफ उल्लू के पट्टे तेरे को लाए इसीलिए थे कि चुपचाप शिनाख लेके हितेश को उठा गला वो ये हितेश नहीं है केस उस पे रजिस्टर्ड है रेप केस अभी हाल ही फिलहाल में एक और रेप केस जो खुला है ना जो लड़की मार के जो रेल की पटरी पे फेंक दी है रेप करके वो हितेश वो है और उसी के यार दोस्त है उनको उठाना था किशन पहलवान इसको नहीं उठाना इसके पीछे काम पड़ेगा हमें क्या पड़ी ज्यादा तेज दिमाग है तेरा यार मंडल तुझे बताऊं मैं वहां बैठा सारी बातें सुन रहा हूँ डिवाइस में यार मंडल तुझे मैं किस्सा बताऊं आज का यार वीडियो देखेगा मैं कहा चलिए जरा वीडियो मैं फोन ठीक करा वहां जंगल में चला गया आकर वहां बैठ करके वीडियो देख यार विनोद की वीडियो देखेगा जिसकी क्या क्लास लगाई है सबने बैठ करके कर हम तो बैठ कर आराम से हंस रहे जहाँ तू समझ एक भाई साहब बैठे हुए कह रहे थे मैं गया वहाँ थाने में धानिया भी थी साथ में वो टैलेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म लेने वो मेरे को कह रहे मुकेश सब यहीं बैठा हो तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है कह रहे हम क्यों बताए कह रहा भाई इसने किया क्या है पहले ये बता कह रहे लड़की इसने नहीं छेड़ी रेप इस पे नहीं है गैंगस्टर ये नहीं है गबन इसने नहीं किया कर तू तू उठाने किसके किसको गया था भे कह रहा चूचू का था हम तो आज से हम तो बहुत पहले जानते मैरोली थाने कह रहा ऑस्कास थाने वालों ने नाम रखा था उसका चूचू कह रहा बचपन में जो इसका क्या कहते स्कूल का नाम था नर्सरी का चूचू कहते थे इसको कह रहा ऑस्कास थाने वालों ने नाम रखा इसका पुलिस वालों ने इसीलिए रखा था कह रहा चूचू को कुछ मत बोल कह रहा इससे झगड़ा तो जाएगा बाद में फिर हम मारेंगे पहले बता दे रहे अगर इस पे हाथ उठाया तो ज्यादा दिमाग लगाया ना तो गोली मार देंगे बेटा पहले वो
हमने सिंस द बिगनिंग हमने विनोद कुछ बोले नहीं, विनोद आने के बाहर आके कह रहा अभी लेके आ रहा है पाकर, वो ये ही तेज नहीं तेज वो है, कह रहा अब क्या अब आई कार्ड सबके जपते हैं, कह रहा बाढ़ में जाओ, कह रहा सिविल डिफेंस वालों को हम कह रहे हैं, सुमेर सिंह को इंट दिया पक्का, वो यही पक्का इसी तेज की शिनाख चल रही, कह रहा 106 नंबर सब गए मेरे सिविल डिफेंस वाले, मेरा बाबू को समझा रहे, पुनीत को इशारा कर रहे थे बार बार, कह रहा जिस लड़के पे नजर बना के रख रही है क्रिमिनल माइंडेड है, करो ये क्रिमिनल माइंडेड है, ठीक है भाई तू जांच कर, हम भी पुलिस वाले कह रहे हम क्यों किसी की जांच में पड़े, कह रहे हम क्यों किसी की जांच में पड़े, सीधी सुधरी बात मैं बैठ के वीडियो देख रहा और मैं ऑडियो से रट के फिरोज को देखा, एसएचओ साहब कह रहे कुछ पता लगा इसके बारे में, कर जल्दी पता लग जाएगा, तो जब आया ना कह रहे भाई इसके बारे में पता क्या लगे, ये क्रिमिनल है, कह रहा भाई 1100 किलो की आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है तुझे, ये क्रिमिनल है मुकेश को कह रहे मुकेश डोमेस्टिक वायलेंस किसका हुआ है, अबे तुझे पता है डोमेस्टिक वायलेंस किस लेवल पे होता है, कह रहे क्या कह रहे फीमेल का चोट आई है, कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं, सर्वर फटा नहीं, दांत टूटे नहीं, आंख वाख फोड़ दी नहीं, अपाइज कर दी, कह रहे नहीं, कह रहे मुकेश सस्पेंड, कह रहे हमने उसको पूछा, कह रहे विनोद कह रहा आजकल तो डीजी रॉ हो गया आज पाकिस्तान से आके मेरे घर के नीचे टनल बना रही है कि अंदर से छेद करके उसको वहीं पकड़ लूंगी, अब बता दे पंजाब पुलिस वाले कह रहे मंडल चुप बोल मत दियो, कह रहा आज सबकी क्लास लगी, कह रहे ये तो कह रहा पता कह रहा हम नहीं बोलते आगे हमें बता रहे, कह रहा सुना ये इंटरपोल में, कह रहा भाई हो सकता है, कह रहा तो पता तो कर विरोध कर पता तो कर नौकरी में चला जाए चली जाएगी तो हम क्या करें, कह रहा ये चंपारण डीजीपी कैसे बन जाएगा, कह भाई देख जो वहाँ हेडक्वार्टर में लोग बैठे हैं जो इतने सीनियर हैं ठीक है तो यार उनको पता है ना चंपारण डीजीपी बन सकता तो बना दिया ना, तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू इनसे ज़्यादा सीनियर है, वो बीट करे वो हेड कॉन्स्टेबल को बुलाया करे इधर ही हो, कर क्या इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है ये इंटरपोल में है, ये कह रहे हाँ इंटरपोल में है, ये वो तू बता रहा है इंटरपोल में, कह रहा कह रहा है डीजी रॉ कैसे हो जाएगा, वो कह रहा है रॉ के हेडक्वार्टर वालों का दिक्कत नहीं है तुझे क्या दिक्कत हो रही है, कह रहा मैं जांच करूंगा, भाई तू कर हमारी टेबल में बता ये कागज मारे जाकर, आज सबके आई कट जाओगे किसन रब नहीं मिलता हमें नहीं पता, अरे फालतू के बकवास निकलते, कह रहा सर सुनो तो सही, कह रहा सर मेरी बात तो सुनो, आई कार्ड सर एक मेरी बात सुनो सर, आई कार्ड कहाँ है हमें नहीं पता बेटा, आई कार्ड जमा कराओ मुकेश का आई कार्ड जमा, कह रहा कौन, कह रहा ये जो भाई वो जज साहब कह रहे हो वहाँ पे 215 नंबर का, कह रहे किन की बात कर रहे हो आप, कह रहे जिनको लेके आए थे, अच्छा ये है आप पक्का पता, कह रहे हाँ पक्का पता, आई कार्ड दिख गई, आई कार्ड लेकिन ड्रॉप्स में रब जाए ऐसे, कह रहा तेरे चक्कर में हम अपनी नौकरी कमाएंगे, कह रहा ये तो अपने आप को जो है बता रहा है इसका रैंक जो है ना तिरंगे में चक्र है, कह रहा लिख ले यार तू जो ऑफिशियल है हम इससे जा रहे हैं, विरोध खड़ा हुआ बाहर, कह रहा यार आई कार्ड ले लिया मेरा, सो कौन सी तोप है ये, क्रिमिनल है मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, कह रहा वो ये नहीं तेज ये तेज दिया ये वो ही तेज है, मैं भी क्यों बोलूं भाई मुझे क्या लेना देना, कह रहा ये यूपी में जो है ना काफी टाइम लगा, कह रहा भाई यूपी में काशी विश्वनाथ गया था सिर्फ, इतने आईबी वाले कह रहे इतना तो हमें भी पता है, कह रहा उसके अलावा नहीं कहा बाद में फैमिली के साथ गया है, कह रहा मोदी जी के उसमें कैंपेन में एक बार गया था 10-1 दिन के लिए, उसमें भी 7 या 8 दिन रहे वापस आ गए, उसमें भी वो वहाँ एरिया के बाहर बारे कहीं नहीं गया हुआ, कर नहीं नहीं रहा है इसके 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 बड़े बड़े तगड़े लिंक हैं इसके, कह रहा कॉलोनी में बहुत यार दोस्त है, कह रहा कॉलोनी के एक लड़के से भी इसकी दोस्ती नहीं है,
कह रहे नमस्ते तक नहीं है इसकी। वैसे एक आधा की हो तो कह रहे तो बैठा नहीं किसी के साथ, ये कभी किसी का सिगरेट पी है दारू पी है, इसके किसके इसके चर्चे वहां पे क्या है। कह रहे तो तू घरों में घुस जाता है लड़कियां छेड़ते, कह रहा अच्छा ये वो, कह रहा लिख ले भाई हमें नहीं पता, सबके आई कार्ड जमा। एक वो चाय पी वाले लग रहे, कह रहे तुम सबके सब पागल ही हो क्या। वो मैं आज ना वहां से ना एक उसकी इन्वेस्टिगेशन पे गया था, मैं एक इन्वेस्टिगेशन पे गया, उस इन्वेस्टिगेशन में जो है ना 89 प्लेसेस पे ना जमीन के नीचे टनल बना के कुछ ISI के लोगों ने ना RDX लगा दिया है, और CRP वाले जो एक है ना वो पकड़ में आ गया, उसको कह रहे हैं इसका बम बना दे। और मैं पता ऊपर बैठ के ना नीचे टनल में इतना मजा आएगा मेरे साथ, चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। मैं ऊपर ना टनल में बैठ गया हमसे देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, और अंदर तो मरियम नवाज की कसम अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं वहां से GPS लोकेशन वगैरह सब ले देख रहा हूँ कितनी जगह, और पता क्या सारे BJP वाले अंदर फंसे हुए और दोनों तरफ से टनल बंद कर दी गई बाहर ही। मेरे तो कह रहे ये पता कैसे लगा लेता, मैंने कहा देख अब कितनी जगह से फोन हैक हो रहा है। अंदर ना उधर कोने वाले पार्क के वहां आवाज आ रही, रब्बी पीर ज्यादा अंदर बैठी हुई है और पता क्या बोल रही, ये हमारी सारी बातें सुन तो नहीं रहा ऊपर। पता नहीं कहां से घुस गई है अंदर, और वो पता दोनों तरफ से टनल बंद कर दी। एकदम साफ आवाज सुनाई दे दी ऊपर मिट्टी, एकदम साफ, तुम हैरान हो जाओगे सुन के क्या भी है क्या ड्रामा। आईपी वाले लड़के कह रहे और दिल्ली पुलिस वाले अबे डिवाइस साफ हो जाए कौन है थोड़े रहने, बाहर कैसे निकल रहा है। एक टनल जो है मैंने आज मतलब दिन में काम कर रहा था बैठ करके, पर मैंने रात को ही बोला था, मैंने कहा पढ़ना है यार मैं पूरा डिटेल जो आ रखी है निकाल शॉर्ट आउट कर, और शॉर्ट आउट करने के बाद फिर निकला गया जो मेरा घर के सामने की गली है ना, इसके सीध में अगर जाओगे ना आगे तक संगम बिहार के डायरेक्शन में अगर आप सीधा जाते हो तो नीचे ना एक सर्विस टनल बना रहे हैं लोग, कुछ पाकिस्तानी हैं जो भारत में भारतीय जनता पार्टी और उसमें रह गए होंगे, तो ये लोग जमीन के नीचे घुस गए और इन्होंने ना टनल खोदनी शुरू करी है, टनल खोदते खोदते जो है ये पता नहीं क्या इनके मन में, तो बाद में बताया कि कुछ EBX कैश का कोई गेम वेम है पता नहीं 160 लाख करोड़ का, ठीक है उसको बना रहे हैं, फिर उसमें जगह जगह RDX लगा रहे हैं, वहाँ पहुँच जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके, अब उधर क्या हुआ नीचे जो है क्या कहते हैं कुछ और काम भी चल रहा, उन्होंने क्या करा टनल ही बंद कर दी, ठीक है अब खोलो जरा, और टनल बंद करने के बाद दूसरी तरफ खुद बैठ गए, ऊपर आ नहीं सकते, ऊपर लैंटर बड़ा तगड़ा है, इनको पता नहीं था लैंटर के नीचे से चले गए लोग, कह रहे पैसा है अंदर ने एक पर्चा फेंक दिया एक ड्राइंग अंदर की, कह रहा ये ड्राइंग है और अंदर ना जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता ना सारे कमरे और बाकी जब तक बंद नहीं जाते तब तक बाहर नहीं आएगा कोई बनाते रह। अरे ये मैदानगढ़ के पीछे जो जंगल है ना वहां की बात बता रहा हूँ मैं, अभी वाले मेरे से कह रहे हैं यार तू जा किस रूट से रहा है, मैं एकदम एग्जैक्ट जगह पहुंचा, पहले मैंने यहाँ पे गूगल अर्थ पे सारी चीजें देख के पॉइंट वॉइंट सब वेरीफाई करके मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ जा करके बैठ करके मैं दिख रहा है ना एकदम साफ अंदर से आवाज आ रही है, टनल के अंदर आवाज जो है ना डायरेक्शन पे सीधी आती है, एकदम साफ अंदर से आवाज आ रही है, जब मरियम नवाज शरीफ बोलो तो आवाज वैसी है ना मेरे डिवाइस में सुनी हुई है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई और महिला भी हो सकती हो, ठीक है। फिर गूगल अर्थ पे जब क्या कहते हैं अपनी करंट लोकेशन ऑन करी ना तो मोबाइल फ़ोन का डॉट जो है मेरे से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से अंदाजन कोई 300 मीटर की दूरी पे दिख रहा है एक बिल्डिंग के अंदर, मैं ये वहाँ कैसे है उस बिल्डिंग में फ़ोन हैक कर रखा मैं, जी हाँ एक तो ये आज की बता रहा हूँ, और कल जो है वो जो उधर जंगल में नहीं है पानी के वहाँ जो मकान बना रखा उसके अंदर फ़ोन हैक कर रखा है आसानी से, तो जहाँ फ़ोन हैक कर रखा है मेरा उसको पता लग जाता फटाक से, जैसे ही मैं लोकेशन ऑन कर रहा हूँ तो 8-9 जगह ऐसी मिली जहाँ पे फोन का डॉट वहाँ आ रहा है जहाँ मैं नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ अंदर जंगल की तरफ और फोन का डॉट जो है ना शहर में दिख रहा है, अमेजिंग है ना,
चेक कर लो, अगर आपका फोन हैक हो तो मैं बताता हूँ तरीका। अपना फोन लेकर जाओ, बस उसमें जो है मोबाइल के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, गूगल अर्थ ऑन करके ना अपनी लोकेशन वाला बटन दबा दो, कहाँ पे आप वो अपने आप बताएगा। मैं एकदम कोने में अंदर जंगल में खड़ा हुआ, एकदम अंदर वहाँ खड़ा होकर के जैसे ही मैंने ऑन किया ना, मेरी अपनी लोकेशन पे ना आ करके मेरे से 300 मीटर दूर एक मकान में जो है क्या कहते हैं वो लोकेशन आ रही फोन की। ये तब से, और डिवाइस में आवाज़ आ रही है, मैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर पूरी लोकेशन पे कहाँ 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 कैसे कैसे अंदर टनल में फोन, क्यों सुनने के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, हाथ जोड़ लेना बेटा उनके, मैं बोल रहा हूँ तो बाहर नहीं आने देंगे वो लोग, आईबी वाले हैं वो, आईबी वाले इतने कमीने होते हैं ना तुम्हें पता नहीं है, पहले वो बाहर नहीं आने देंगे तुम्हें, वो पहले सुन लेना, टनल में फंस तो गए हो, बना तो ली तुमने टनल लालच में, चाहे तुम ISI से हो, चाहे BJP से हो, चाहे जूदा एजेंसी से हो, चाहे मरियम नवाज की टीम से हो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ हाथ जोड़ लेना उनके, नहीं तो बेटा वो बंद करके ना वो चलते बनेंगे, बाहर नहीं आ पाओगे, वो इतने कमीने लोग होते हैं, समझ में आ रही है। IB का काम ऐसा ही है, उन्होंने सुन लिया होगा, जहाँ से टनल में घुसा था वहाँ पता क्या किया, मलबा गिरा दिया है, मलबा गिरा दिया ऊपर, और इतना मलबा गिराया कि हटा नहीं सकते। अब मलबे की खासियत ये होती है कि थोड़े दिन बाद वो अपने आप जम जाएगा, कई जगहों पे गिरा दिया, मैं कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं, करे जा तो सही बेटा जमीन के नीचे, फिर बताता तुझे, टनल बनाने के चक्कर में होंगे अंदर छुप के जो डिवाइस लगा रहे होंगे, मैं ऊपर मलबा ही गिरा दिया। CRP वाले कह तो वो, मैं कह रहा हूँ बाहर नहीं आ सकते तुम, और काम पूरा करने के बाद एक सर्विस टनल दे देंगे, फिर उसमें पैक कर देंगे, कहेंगे ये इसी काम आते हैं तेज, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर अपनी ज़िंदगी जी लेना बेटा, पहले बोल दे रहा हूँ, और नहीं तो बना देंगे तुमका तुम्हारे सबका जासूस, समझ में आ रही है। ये लोग जो है भाई साहब बकायदा नीचे 89 प्लेसेस हैं जहाँ RDX लगा दिया उन्होंने, ये BJP और मोदी के बंदे हैं, ये मोदी इन्वॉल्व है, आगे वाले जानते हैं, कह रहे मंडल हम तो पता ही है, जा हमें धमकी दे रहा था, कह रहे ढूंढ के दिखाइयो, कह रहे कॉलोनी नाम करवाएंगे, मैदानगढ़ी राजपुर खुर्द Phase 1 Phase 2 कर अपने नाम करवाने, कह रहे नीचे नीचे RDX लगाते थे। ये रिकॉर्डिंग है आज की रिकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये आज की रिकॉर्डिंग है, ये आज की रिकॉर्डिंग है जो मैं बता रहा हूँ, बैठ के सुन रहा हूँ, मैंने तो उठा करके लोकेशन भेज दिया, मेरी टीम जाकर के अपना पिन गिराएगी, फिर जाओ बाहर में, समझ में आ गई, नहीं मारेंगे किस लेकर, हमें जरूरत नहीं मारने के, बाहर आके दिखा। सब जगहों पे भाई साहब JCB लगा के मलबा गिरा दिया है, खोदते खोदते थक जाओगे, 6-6, 8-8 फुट जमीन उठा दी है, 6-6, 8-8 फुट, 6-6, 8-8 फुट जमीन उठा दी है, कितना मलबा हटा लोगे भाई साहब, मैंने चेक करके देख लिया, इसलिए हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग लेना, वो जाकर तिहाड़ में रह लेना, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है, बख्शेंगे नहीं ये, कहीं तुम सोच रहे हो ना, हाँ अंदर ही ना अजीब से हो जाओगे, बिल्कुल सही, तुम जो हैकिंग सीख रहे हो ना अंदर, मेरा मोबाइल फ़ोन हैक कर रहे हो, बाहर नहीं आ सकते तुम, और ये जो मेरे घर के पास जो आकर टनल रही थी ना, आज इन्होंने क्या करा, अंदर फोम डाल दी, दूसरी टनल से वहाँ से जो है पाइप डाल के अंदर फोम भर दिए एक तरफ, इतनी गंदी स्मेल आती है ना फोम की, तो पता नहीं है क्या करेंगे, अरे खोद कर दिखाइयो अंदर, इनकी सोच देखो, हक्कानी का वॉल्ट है, ठीक है, पता नहीं कौन लोग है ये, नाम तो तुम ही ले रहे हो अपना, हक्कानी का जो वॉल्ट है कोई मामूली वॉल्ट तो है नहीं, ठीक है, अब हक्कानी कंपनी मेरी है, वो वॉल्ट के साथ में जो है ना, जैसे मेरी 4 उंगलियां हैं ऐसे जो है उसमें वायर लगी हुई है, करंट वायर है, अब बताओ ये किस्सा सही है झूठ है, अंदर बैठे हो ना, ठीक है, किताब लिखना बैठ के, वो हक्कानी वॉल्ट के पास जो वायर है ये वहाँ तक पहुँच गए, वायर देख करके इन्होंने क्या करा पता नहीं, कौन से जुरासिक पार्क पिक्चर में नहीं होता, देखा वो लकड़ी फेंकता है ऐसे हाई टेंशन वायर पे, वो लकड़ी फेंक के चेक करता है बिजली, वो ऐसे चेक करी वो चेक हुई नहीं, इनके एक बंदे ने क्या करा, वो हाथ जो है वो पकड़ने का चक्कर में होगा कि इसमें करंट नहीं है, करंट था उसमें,
हाई टेंशन में, वो 8 इंच की दूरी से बंदा खींच लिया करंट में, बड़ा आग से चिपक गया वो। और उधर से मैगले वालों ने फिर जो है क्या कहते हैं रोबोटिक सर्वेलेंस भेजी, रोबोटिक सर्वेलेंस भेजने, अरे मैडम मेरी आवाज थी वो, मैं बात कर रहा था उसमें डिवाइस में मैगले वालों से, मैं चमान जा रहा, मैं बताता हूँ ना मैगले वाले कैसे बात कर रहे थे उस डिवाइस में, मैं बता, वो पता क्या कह रहा, प्लीज गो एंड चेक, आई थिंक देयर आर सम इंट्रूडर्स, मे बी देयर आर सम रैट्स, नो 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 इट्स अ बिग रैट, रोबोटिक सर्वेलेंस इज शोइंग इट्स अ ह्यूमन, वो आते हैं गो एंड चेक। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आवाज मेरी थी मैडम, मेरी फोन में, मैं बात कर रहा था उधर से, समझ में आई, मैगलेव वालों से मैं बात कर रहा था अभी। अब मैगलेव नहीं है भाई, तेसरे वन है, बहुत नीचे है, समझ में आ गई, इतनी नीचे जा रखी है आप सोच भी नहीं सकते। जो सपना लेके आपने लोगों को घुसा दिया है ना, क्यों मरवा रहे हो उनको? अबे राजधानी और शताब्दी में घूम ले, एल्सो पे घूम ले, तेरी औकात नहीं है, बात मान जा मेरी, नहीं तो घर परिवार बी बच्चे ढूंढते रह जाएंगे। और ये जो अपने मकानों से छेद करके नीचे जाने की इच्छा है ना ईबिक्स कैश की, भाई साहब त्याग दो, अगर हाथ चढ़ गए ना इनके तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अलाउड नहीं होता जमीन के नीचे टनल बनाना, समझ में आ गई, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। मैं इन्फॉर्म करके सारी चीज करके मैं वहां जाता हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ, भाई साहब अलाउड नहीं है वहां जाना। असोला में जो एक भाई साहब वो कुत्ता लेके घूम रहे थे ना, अलाउड नहीं है, टॉप सीक्रेट ब्रीच लग गई आप पे। समझा रहा हूँ तो मैं क्या करूं इसमें, अपने घरों को 1-2 लाख रुपए महीने के किराए के लालच में जो दे रहे हो ना खोदने के लिए, भाई साहब मार भी खाओगे मकान भी जाएगा। और जो लालच लेके घूम रहे हो ना, अमान और अक्कानी का ऑफिस यहाँ नहीं है, अमान और अक्कानी का ऑफिस जीएमआर के पास एरो सिटी में है, यहाँ नहीं है। यहाँ जो जमीन के नीचे बोल रहे हो ना, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, वो वहाँ से एक टनल आते, वो भी ऑफिस बहुत नीचे जा कर के। आपको क्या लग रहा है वो बेवकूफ़ हैं वो लोग जो इतनी बड़ी कंपनियों का ऑफिस बना रहे हैं, कि आप जो है एक वो नहीं नहीं चम्मच से 2-4 चम्मच किचन के लेके, ठीक है छोलना छोलनी लेके जमीन के नीचे पहुंच गए, और क्या कहते हैं आप अमान और अक्कानी का वॉल्ट खोल दोगे? है जी आप कहाँ हो, किस दिमाग में हो आप? वो इतने बेवकूफ़ हैं वो, उनके पास आर्मी नहीं है, उनके पास सर्विलेंस नहीं है, इनका बंदा चिपक गया उसमें हाई टेंशन में अक्कानी का वॉल्ट चोरी करने के चक्कर में। मैगले वालों की सिक्योरिटी है, सारी चीजें मैगले वाले बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन और मैगले नहीं है, हितेश रे वन है। जी हाँ मानते नहीं है भाई साहब, भुगतोगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ लेना उनके, हाथ जोड़ लियो आईबी वालों के, समझ में आ गए शायद माफ कर दे, पर माफ करते नहीं है वो किसी को। जहाँ घुस गए ना तुम आरडीएक्स लेके, और जिनको तुम गाली दे रहे हो वहां से फोन पे, उन्हें सब पता है, सब पता उनको। बस वो हैरान इस बात पे हो रहे, मंडल तू यहाँ कैसे पहुंच गया, ये हमारी सर्विलेंस है? कर मान गए उस्ताद तेरे को, कर हमें नहीं लगा था तू पहुंच पाएगा, कर हाँ यही जगह है बस, और बताओ, कर बाकी जो तूने बताया हमने लग रखा, हम तो बोलते नहीं कुछ इनको। आईबी वालों को कह रहे हैं अंदर फोन पे, फोन से कह रहे हैं वायरलेस से, करे देखते हैं कितने बड़े आईबी वाले हमें ढूंढ के दिखाओ, उन्होंने टनल ही बंद कर दी। और वहां से जो बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं वो सीमेंट कंक्रीट और वो सारी चीजें दे रहे थे, इन्होंने अंदर से बढ़िया से बना दी, कर और बढ़िया से बना, अब बनवा रहे हैं इनसे ऑफिस अंदर, दिन रात काम करो। कर लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ, वरना बेटा खाने की सप्लाई नहीं भेजेंगे। सोचो, सोचने वाली बात है, मैं कोई गलत सलाह थोड़ी दे रहा, आप लोगों के काम नहीं है ये। मैंने कल भी जब मैं वहाँ खड़ा था, कल ही परसों, कल तो मैंने क्या, कल तो दिन में हुआ था, दिन में ही मैंने बोला था, मैंने मरियम नवाज को आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा आपको एक बात बोलूँ बुरा मत मानना, मैं कहा इतना पैसा मैं कमा चुका हूँ, आपको ये सब काम करने की जरूरत है नहीं,
समझ में आई मेरी तो सलाह आपको यही है, लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे को, 10,000 लाख करोड़ रुपया तो भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप कहोगे सब कुछ मेरे नाम कर दे तो बेवकूफ़ी है ना, क्यों करूँ। इसी बात से टॉपिक शुरू हुआ है कि जब आप अपने आप को इतने बड़े बड़े नाम के लोग बता रहे हो किस काम में लग गए, बताते हुए भी शर्म आती है कि मैं आपको जानता हूँ, ऐसी हरकतें करते हो। मैडम ये सारे काम जो है बहुत हैवी वेट डिवाइस सर्विलेंस से होते हैं, ऐसे ही नहीं किसी देश में जाकर खुदाई कर दी, अंदर वहाँ अपनी मशीन ले जा करके अंदर पिन डाल के दिखाना पड़ता है, एक्सरे दिखाना पड़ता है एरिए का कि सर ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, यही बताया गया है। अब तो ICJ कहता है 200 मीटर के दायरे के अंदर भी अगर आप बता दोगे ना तो हम उस पॉइंट से 200 मीटर के आसपास का भी एरिया आपको दे देंगे, 200 मीटर कम नहीं होता, वरना वो बोलते हैं 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है यहीं पे डाल डिवाइस, यहीं खोद। आईबी की ड्यूटी पता है कैसे मिलती है, हैं? 1 फुट बाय 1 फुट के गोले में खड़ा होना है आईबी के, आपको पहुंच के दिखा दो आओगे आईबी में, वरना नहीं। इतनी तगड़ी सर्विलेंस चाहिए उनको, इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस चाहिए होती है, वरना आईबी में नहीं आ सकते आप। 1 फुट बाय 1 फुट का स्पॉट ढूंढना होता है, 1 फुट बाय 1 फुट का मतलब एक थाली होती है ना जितनी, लगभग उतने एरिया में जाके खड़ा होना पड़ता है कि सर ये है आईबी, चाहे वो जंगल में हो, किसी शहर में हो, किसी के घर पे हो, चाहे रोड पे हो, बताना पड़ता है वहाँ से, वो देख लेंगे। अगर उससे अगर 1 फुट बाय 1 फुट के बाहर अगर 2 इंच भी बाहर है ना, कहेंगे घर जा, एक्सेप्ट ही नहीं करते। इतनी तगड़ी ट्रेनिंग होती है आईबी की, समझ में आ गई, इतनी तगड़ी होती है। एक मैडम को लेके आए आज कराची के, वहाँ से पहुँच गए बलूचिस्तान, अरे पूछ तो लेती मेरे से मैडम, वो ISI के स्पॉट के बारे में कह रहे कराची के आसपास है कहीं, वहाँ से ड्यूटी मिलती है, हद हो गई। और मैं चाहता ना, मुझे ISI में करनी नहीं है ना नौकरी, मैं क्यों जाऊँ, मैं चाहता तो यहीं से बता दूंगा स्पॉट ISI का, मुझे करनी नहीं ISI ना, मैं यहाँ से बता दूंगा मैडम, पिन पॉइंट बता दूंगा, पिन पॉइंट। पर बल्कि ISI में तो कहते हैं 3 मीटर का गोला होता है, चकोर होता है उसमें, ISI में सॉरी स्क्वायर होता है, 3 मीटर बाय 3 मीटर के स्क्वायर में जाके खड़ा होना होता है कि जी है जी जगह, चल जा फिर, आ गया तू ISI में, वरना नहीं है। वहाँ चली गई है पता नहीं 28 या 30 32 फ्रेंड्स हैं, ये 2-3 बहनें हैं ना हमारे अनुवास, 3 बहनें हैं, एक बहन वहाँ चली गई, एक यहाँ जमीन के नीचे है, ठीक है, एक पता नहीं कहाँ है। मतलब कह रही हमसे ज़्यादा तेज नहीं है, वहाँ से भी जो है फिदा वाले पकड़ के लाए हैं सबको, मैडम बमबारी शुरू हो रही है, हटो वहाँ से, अभी आई नहीं है पहुँचेगी। ये 3 है, तीसरी यहाँ टनल के नीचे है, BJP में थी है, ये और सलमा बेगम मरियम राबी पीरजादा ये भारतीय जनता पार्टी में थी, अब ये जो है पहले बाहर आ जाती थी, अब जो है टनल बंद करवा दी गई है, ठीक है, ये दोनों तो जोड़ी यहाँ पे, और एक मरियम नवाज और रबी पीरजादा है पाकिस्तान वाली, वो कराची के उधर जो ISI का स्पॉट ढूंढ रही है, मेरे से पूछा था कहाँ, मैंने कहा बलूचिस्तान की तरफ है, वह चलती यहाँ से उड़ती हुई वहाँ पकड़ी गई है, मैं कहा लेकर के आओ सबको, फिदा वाले कह रहे सामने खड़ी हमारे, ये 3 बहने हैं, बताओ क्या करें इनका। अरे आप मान ली बात आपकी, आप बहुत तेज तर्रार हो, ठीक है, पर ऐसा कोई काम मत कर बैठना कि झूठो ना, इंटेलिजेंस वाले हैं ये, समझ में आ गई। अच्छा ये इंटेलिजेंस के इनके बारे में पुलिस भी नहीं बताएगी ना, कोई बताएगा, पूछो आप गए तो गए, कहाँ चले जाओगे आपको पता नहीं लगेगा, कोई नहीं बताता, पूछोगे तो भी जवाब नहीं देंगे, ये रियलिटी है, आप समझ गए। मतलब हमें पता नहीं है, जैसे कह रहे IB दोनों स्पॉट इसको कैसे मिल गए, मैडम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं, IB के ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 ही स्पॉट थे, इस बार दोनों स्पॉट पे मैं पहुंच गया, ये मेरी किस्मत है,
आपने पूछा ना मेरे से आईएसआई का कहाँ पे है, मैं कहा बलूचिस्तान के आसपास है। अब बताओ मैं यहाँ से बलूचिस्तान से के आसपास है, तीन मीटर बाय तीन मीटर मतलब 10 फुट बाय 10 फुट का एक कमरा होगा, उसमें पहुंचना है तब आप आईएसआई के चीफ बनोगे। मुझे करनी नहीं आईएसआई में नौकरी, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, बात ही खत्म है। और मैं क्यों बताऊँ आपको, मुझे क्या पड़ी है। इसलिए आईएसआई का चीफ कोई नहीं हो सकता, ना अंजुम ना ये क्या करो, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। पर आईबी में नहीं है, आईबी में नहीं है, आईबी का दोनों स्पॉट पकड़े गए हैं, मैंने पकड़े, बात खत्म है। अब वो आपके साथ ला करके रखेंगे या कहाँ रखेंगे हमें नहीं पता। बताओ ये इन्वेस्टिगेशन कर लेता, मुझे क्या सपने आ रहे हैं आपको, यही तो नहीं सीखना ना आपने, नहीं सीखना मत सीखो, सोच लो, समझ में आ गई। वो कुछ नहीं सुनने वाले हैं वहाँ, वो आईबी में मेल नहीं फीमेल्स के रश में हो आप। आप क्या सोच रहे हो ये केल हाउस इन हाउस वीआईपी बीडीएसएम वाले जो है, क्लब एशियन वाले जो अगर देखने में चाइनीज है तो आईबी में नहीं है। वाह भाई वाह, आपको क्या लग रहा है ये क्या कहते हैं लोग आईबी में नहीं है ओल्ड पैशन वाले जो है। अच्छा जी, गलत फहमी है आपकी, मतलब एप्पल कंपनी है तो उसमें आईबी वाले नहीं है। अच्छा वाह भाई वाह, मतलब चाय एजेंसी बना के बैठ के उसमें आईबी वाले नहीं है, भांग वांग खा रखी है क्या, कहाँ है कौन सी ऐसी जगह जहाँ आईबी वाले नहीं है। मतलब मैंने कुछ स्पेशल ढूंढा है, वो खजाना बजाना अगर आए भी करे हमारा काम नहीं होता, बता दे अपने आप ढूंढेंगे। पर ये टनल वाले मामले में कहते ये यहाँ पहुंच गया करे, ये बड़ी बात है। कर हम तो जा करके मलबा गिरा के चले आए ऊपर से, कर गिरा दिए सर दो चार ट्रक यहाँ पे, कर हटा लेना, क्या बेवकूफ समझ रखा हमारे को। अच्छा जी, तो भुगतो फिर बैठो अंदर ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कह तो रहा हूँ भाई साहब ये इतने बड़े बड़े नाम है, मैंने फिर कहाँ ही तेसरे बन के पैसे के पीछे पड़ रहा हूँ, अपने नाम से ही कमा लो जाओ। अरे यार पैसे ही तो लगाना रोड पे, क्या पार्क में जाकर जुआ खेल लेना, जरूरी है मंगल कसिनो में बैठ के जुआ खेलना है तुझे, खेल ले वहाँ जब पार्क में जाकर बैठ के, इतने लोग खेलते हैं, दारू पीने के लिए जरूरी है तुझे मेरे कसिनो में आना है, ये चला जा रहा है यहाँ मैदान कड़ी का, वहाँ मिलता है पौआ वहाँ पी ले बस, हाथ धो गई, मुंबई लोकल में चला जाना ईएमयू में, जरूरी है मैगले में बैठना, अपने नाम के मजे ले ले ठीक है, मेरा टाइम मत खराब कर।